एक होंजोक का परिचय, इंट्रोडक्शन टू होंजोक। होंजोक एक दक्षिण कोरियाई जीवन शैली है जिसका अर्थ होता है खुद के साथ रहना और अकेलेपन में भी खुशी पाना। यह तरीका आत्मनिर्भरता और खुद के साथ संतुष्ट रहने की कला को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने साथ समय बिताने में सक्षम है तो उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती है खुशी पाने के लिए। तो खुद से जुड़ना, कनेक्टिंग विद वन सेल्फ। होंजोक में खुद से जुड़ने का महत्व बताया गया है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई लोग मेट्रो शहरों में अकेले रहते हैं और खुद से जुड़े रहने के लिए ध्यान और जर्नलिंग का सहारा लेते हैं। तीन, अकेलेपन का सकारात्मक पक्ष, द पॉजिटिव साइड ऑफ सॉलिट्यूड। यह किताब समझाती है कि अकेलापन जरूरी नहीं कि नकारात्मक हो। यह समय खुद के विकास और आत्मनिरीक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन कुछ समय अकेले बिताता है तो वह अपनी सोच को साफ कर सकता है और नए विचारों के लिए जगह बना सकता है। चार, समाज से अलग पहचान बनाना, क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी। दक्षिण कोरिया में, जहां सामाजिक दबाव और प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा है, होंजोक युवाओं को एक अलग पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, कई कोरियाई युवा पारंपरिक विवाह या परिवार से अलग रहते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान की तलाश में होते हैं। पांच, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। होंजोक में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित रखने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई रोजाना ध्यान करता है तो वो अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। छह, नए शौक अपनाना, डेवलपिंग न्यू हॉबीज। किताब बताती है कि नए शौक और क्रिएटिव गतिविधियों को अपनाना अकेलेपन को खुशी में बदलने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अकेलेपन के समय में पेंटिंग या गार्डनिंग जैसी गतिविधियों में रुचि ले सकता है जो उसे संतोष और खुशी देता है। साथ, खुद को समझना और स्वीकार करना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग वन सेल्फ। होंजोक में खुद को स्वीकार करने का बहुत महत्व है। इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों और खामियों को भी अपनाएं और उनसे घबराएं नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने इंट्रोवर्ट स्वभाव को अपनाता है तो वह दूसरों के हिसाब से बदलने के बजाय खुद को बेहतर तरीके से जान पाता है। आठ, खुद की कंपनी का आनंद लेना, एंजॉयिंग वन्स ओन कंपनी। होंजोक हमें खुद की कंपनी में खुश रहने की प्रेरणा देता है जो आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अकेले घूमने जाता है या रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाता है तो वह बाहरी उम्मीदों से दूर खुद को खुश रखने की आदत विकसित करता है। होंजोक, द साउथ कोरियन मेथड टू लिव हैप्पीली विद आवरसेल्व्स, हमें सिखाता है कि समाज के दबावों से मुक्त होकर हम खुद की खुशी का स्रोत बन सकते हैं। यह किताब अकेलेपन को सशक्तिकरण में बदलने के तरीके बताती है।